शक्करकंदी सर्दियों में खाई जाने वाली बहुत ही लजीज डिश है। इसको मैंने तकरीबन 4 से 6 मिनट में रेडी किया है, और इतनी जल्दी ये रेडी माइक्रोवेव ओवन में ही हो सकती है। आप भी इसको बनाएं और खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू तबस्सुम किचन व्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंदी की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने ये शकरकंदी ली है। इसको आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और थोड़ा सा इसको गीला कर लें। ये थोड़ी नमी वाली होनी चाहिए, यानी कि ये गीली होनी चाहिए। और इसके आपने एंड्स काट लेने हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चारों तरफ से मैं इसको काट लूँगी। और इसके लिए ना तो मुझे किसी चूल्हे की ज़रूरत है, ना ही कढ़ाई की, और ना ही किसी तवे पे दम देने की ज़रूरत है। मैं इसको बहुत ही आसान तरीक़ों से और 4 मिनट के अंदर अंदर ये हमारी जो है वो शकरकंदी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये शकरकंदी तैयार करने के लिए मैंने ये तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास शकरकंदी है। इसको मैं अब इसके एंड्स काट के तो आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनानी है। ये देखिए, इसके मैंने एंड्स काट लिए हैं और इसको ज़रा नीट कर लिया है। और अब इसको मैं माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए इसको रखेंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल पक चुकी है। इसमें चूँकि हमने गीली करके रखी थी तो ये बिल्कुल गर्म, अभी ये गर्म बहुत है और ये बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसका ये जो छिलका है ये रिमूव कर लेंगे, और मैं आप इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जूसी बनी है, ना तो ये ज़्यादा खुशक बनी है और ये मीठी भी बनी है। जो हम पानी में उबाल के बनाते हैं वो इतनी मीठी नहीं बनती है, तो इसका ना तो जायका ख़राब हुआ है, ये बिल्कुल बहुत ही जायके में मीठी और बिल्कुल खुश्क बनी है। जो हम पानी में उबालते हैं या चूल्हे पे उबालते हैं तो उसमें इतना वो मीठा नहीं होता जितना ये हमारे ये जो है ये वाली शक्करकंदी जो है वो तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको सारी को काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे की बनी है। देखें ये अंदर से कितनी अच्छी तरह पक चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है। ये मैंने माइक्रोवेव में बनाई है। थोड़ा सा इसको पहले आप गीला कर लें, गीला करने के बाद इसको ओवन में रख दें तो ये बहुत अच्छी हमारी ये जो है वो माइक्रोवेव में 4 से 6 मिनट लगते हैं, और ये हमारी जो शक्करकंदी है वो तैयार हो जाती है। देखें आप इसको ऐसे काट लें, बिल्कुल ये नरम है और बहुत ही जूसी सी और बहुत ही मज़े सी। मज़ीद जूसी करने के लिए इसके ऊपर हम लेमन जूस डालेंगे, इसके अलावा हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, तो ये हमारी गरम गरम जो है वो बहुत ही मज़े की, जैसे कि बाहर रेड़ियों पे मिलती है उससे भी ज़्यादा ये मज़े की हमारी ये जो है वो शक्करकंदी जो तैयार हुई है। फ्लेवर के लिए इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, और इसके ऊपर मैं 2 लेमन, ताकि इसमें अच्छा सा जूस बन जाए लेमन का और खाने में ये बहुत ज़्यादा खुशक फील ना हो। दो अदद लेमन जो हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं इस पर चाट मसाला शामिल करूंगी। ये मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाले को हम अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च से इसका जायका जो है वो और भी दुबाला हो जाएगा। जी, इसके टेस्ट, इस टेस्ट के साथ आप खाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। सर्दियों की ये स्पेशल हमारे यहाँ पे खाई जाती है, ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। तो ये हमारी बहुत ही मीठी
और बहुत ही मज़े की ये यमी सी और जूसी सी ये शकरकंदी जो है वो तैयार हुई है। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फेसबुक पेज के भी पर भी मेरी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।